जी सर, मेरा ये सवाल था। मेरी एक्चुअली जॉब ज्वाइंट हुई है ये कॉल सेंटर की, तो उसमें 9 to 10 hours मुझे अपने लैपटॉप में देनी है, अपनी आईज पूरा टाइम वर्क करना है। तो मुझे जो है ना, पहले सर्जरी हो चुकी है मेरी आईज की, तो डॉक्टर ने कहा कि कोई इश्यू नहीं है, आप कर सकती हैं जॉब, और ये इस्तखारा भी किया है, लेकिन फिर भी दिल आके पीछे हो रहा है, और असबाब भी बन रहे हैं और मुश्किलात भी आ रही हैं, टाइमिंग का भी ये सब हो रहा है, तो क्या करना चाहिए इसमें? कॉल सेंटर में जॉब करना, देखिए कॉल सेंटर में मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मालूम है कि कॉल सेंटर में एक्चुअली क्या क्या करना होता है या कौन कौन से शरई महाजिर उसमें हो सकते हैं, लेकिन जाहिर है इतना तो होता है कि आपको कंटिन्यू अजनबी लोगों से बात करनी है और उसमें कई दफ़ा ये वाकयात आए दिन सुनने में आते हैं कि कई दफ़ा कई नौजवान लड़के या लड़कियां बहुत सारी खराबियों के अंदर मुलव्वस हो जाते हैं और ये इस चीज़ का इम्कान बहरहाल मौजूद है। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि देखिए आपके घर वाले होंगे, जाहिर है या तो माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, या अगर आपकी शादी हो गई जी होगी तो आपके शोहर होंगे, तो आपका जो खर्चा है उन लोगों के ऊपर वाजिब है। आप कॉल सेंटर में जॉब करने क्यों जाएंगे? अगर आपको जॉब करना है तो कोई ऐसी जगह अख्तियार कीजिए जहां पर आपका सबका मर्दों से ना हो, आप इफ्फत और हशमत में रहते हुए अपना काम कर सकती हैं। तो शरीयत औरत को काम करने से मना नहीं करती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें काम करती थी, काम कर सकती है जी औरत, लेकिन जो दायरा है मर्द औरत सबके दायरे है। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी बगैर लिमिट के, बगैर दायरे के जो चाहे कर सकता है, सबके लिए दायरे बनाए हैं। तो हमारे मर्दों के लिए भी कुछ दायरे हैं, औरतों के लिए भी कुछ दायरे हैं, तो उस दायरे में रहते हुए आप कोई अगर आपको काम मिले तो आप वो काम कीजिए। जी सर, कॉल सेंटर चलिए के वाले ठीक। सिलसिले में मतलब इज्जत की हिफाजत करवाना बहुत मुश्किल है, शेख नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि जो सिस्टम होता है उस सिस्टम में ये चीज होती है कि कभी भी आपका टाइमिंग शिफ्ट कर देंगे, वो डे से नाइट जी कर मेरी देंगे, नाइट से डे शिफ्ट कर देंगे, चेंज तो होती रहती है ये नाइट सारी का, चीजें लेकिन होती ये रहती जो है। है नहीं, आपको जी, नहीं तो करना किस चाहिए, सजेस्ट नहीं आप मत करता है कीजिए। इसे? जी जी चलिए ठीक है, जजाकल्लाह खैर।